नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। घर में लगी भीषण आग, परिवार में मचा कोहराम। बांदा जनपद बबेरू क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शिव में आग लग जाने से घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि राम सजीवन पुत्र सुखुवा प्रजापति निवासी ग्राम शिव के घर में रात लगभग 11:30 बजे आग लग गई और दो गाय जल गई। एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी गाय मौत के कगार पर है। पड़ोस तथा गांव के सैकड़ों लोग एकजुट होकर तालाब और नल से पानी लेकर आग बुझा रहे थे, लेकिन आग काबू में नहीं हो रही थी। तभी गांव के लोग दमकल को फोन किया। आनन फानन में अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को लगभग 2 घंटे में काबू कर दिया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही की। राजकीय पशु चिकित्सालय बबेरू में टीम पहुंचकर जली हुई गाय का इलाज किया। यह पूरा मामला ग्राम शिव थाना बिसांडा तहसील बबेरू का है। इसी बीच गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता अनिल कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रधान जी, ये कैसे घटना हुई है? ये तो अचानक घटना हुई है, किसी की जानकारी में नहीं हुई है। और सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने घर सो रहे थे, अचानक अज्ञात कारण से जो है आग लगी है इसमें। अच्छा जी, तो क्या क्या घर का सामान भी जला है? क्या क्या जला है इसमें? एक गाय भी मृत हो गई है, गाय की एक गाय असमर्थ खड़ी है। और अच्छा। जो है सारे गांव के लोगों ने बुझाया है इसको, आग को। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। अच्छा, दमकल की गाड़ी आई है? जी। अच्छा, प्रशासन भी आया है? प्रशासन भी मौके पर आया? जी। रात में ही आया? जी जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? अब जो भी जैसा भी होगा सहयोग वैसा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ से लेखपाल तक के लिए सूचित कर दिए हमने। अच्छा, लेखपाल को भी आप सूचना दे दिया है? जी जी। अच्छा, क्या बोले हैं लेखपाल साहब? लेखपाल साहब बोले हैं कि आएंगे। अच्छा, बोले हैं कि आएंगे। जी, धन्यवाद। किस गांव का मामला है ये? ये ग्राम शिव का मामला है। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे आग लगी, हम लोगों को जानकारियाँ मिली, इसके बाद जो है पता किया गया अज्ञात लोगों के द्वारा। जो है तो आग लगी और इतनी उज्जवल लपट निकली कि जिसका जो है तो देख करके लोगों की नींदें जो है तो हुलस गई। जब लोगों ने देखा कि ये गुंग और ये लपट कहाँ से आ रही है, तो गांव के लोगों को जानकारी हुई। गांव के लोगों ने बाल्टी अपने डिब्बे ले ले करके आ करके जो है सारी किसान की आग की बुताने में प्रयास हुए। जब असफल हो गए सारे लोग गांव के, तब जो है इसके बाद जो है वहां से जो है तो मशीन बुलाई गई। जरकल से मशीन आई, कंट्रोल नहीं हो पाई। फिर मशीन के आने से और गांव के सहयोग से किसी प्रकार से जो है आग को काबू किया गया। आग काबू होने के बाद फिर भी उसमें एक गाय मर गई। एक पूर्ण रूप से जो है तो अभी उसकी उम्मीद नहीं पाई जाती कि वो गौ बचेगी या नहीं बचेगी। वो तो मौके की स्थिति पे ही देख करके लोग सब लोग देख रहे हैं जिस तरह से वो गौ जली अभी खड़ी हुई है। एक गाय खत्म हो गई। अच्छा, आपने पशु विभाग को कोई भी सूचना दिया? बिल्कुल, जानकारी दी गई है। वहाँ से आए, आने के बाद उन्होंने जो है तो फोटो वोटो खींच के ले गए हैं। और अनिल विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने अपना पूरा रोल और किसान को जो है तो साहस बंधाया। परिवार बिलक बिलक करके रो रहा था, उनके साहस के द्वारा कुछ शांति मिली परिवार को। और उम्मीद दिलाया है कि आपका जो भी सहयोग हमारे विभाग से होगा वो हम आपकी भरपाई करवाएंगे। और आप मेरी बात को यकीन करिए, विश्वास दिलाया। उनके विश्वास के तहत उस पशु को ले जाने के लिए 2-4-6 लोग बुलाए गए। ले जा करके जो है तो उसको जो है वहाँ फेंकवा दिया गया। गाय का इलाज किया गया? गाय का इलाज किया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। इसके बाद जो है मल्हम वल्हम के लिए भी जो है तो उन्होंने बोले कि हम शाम तक व्यवस्था करवा रहे हैं। इसके बाद अभी इंजेक्शन लगाए और जो है तो मल्हम जो उनके पास दवाइयाँ थी उन्होंने दी, उनसे हम संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है, धन्यवाद। कौन सा गांव है? ग्राम शिव। अच्छा, क्या हुआ है? आग लगी है। आग लगी है, कैसे लगी है आग? कोई जानकारी में नहीं है। कोई जानकारी में नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या जल के राख हो गया? गाय मर गई, एक दरे में खत्म हो गई,
अच्छा, एक जली खड़ी है। अच्छा, और पूरा गृहस्थी का सामान ध्वस्त हो गया। अच्छा, घर का सामान भी जल गया है? घर का सामान जल गया, छत टूट के गिर गई। अच्छा, और क्या नुकसान हुआ है? जो सामान रखा था पूरा नुकसान हुआ है। घर के अंदर जो भी सामान रखा था सभी जल करके राख हो गया। राख हो गया। गाय भी मर गई? गाय भी मर गई। अच्छा, तो आपको पता कैसे लगा कि मेरे घर में आग लग गई? हमको यहाँ वहाँ यहाँ से बुलाने गए, यहाँ आग बुझा रहे थे लोग। बाग कौन, गांव के पड़ोस के लोग? पड़ोस के लोग आग बुझा रहे थे, वही जाकर के आपको बताया है कि आपके घर में आग लग गई? हाँ, तब हम जानकारी हुई, हम आए हैं। अच्छा, आप दूसरे घर में थे कहीं? दूसरे घर में। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर जलकल की कोई गाड़ी आई, फोन किया कि नहीं किया? नहीं आया, फोन किया, गाड़ी आई। तो पूर्ण रूप से आग जो है बुझ गई है कि नहीं? अभी नहीं बुझ पाई। अभी भी नहीं बुझी? अभी भी। रात में लगभग कितने बजे आग लगी है? लगभग 11 बजे के बाद। 11 बजे? अच्छा, पुलिस प्रशासन भी आया है? हाँ, पुलिस प्रशासन आई, दो गाड़ी आई। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम सजीवन। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।